हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे अपना एक नए टॉपिक के बारे में, इंटरनल टावर कैन को कैसे जंप करते हैं, हाउ टू जंप इंटरनल टावर कैन। अपना टॉप इसका एक क्रेन है, इसको हम लोग कैसे जंप करते हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में क्लियरली बताऊँगा, जो जितने भी हैं, क्योंकि अगर पूरा बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग भी फिर समझ में नहीं आएगा उतना, बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए जितना हो सकता है मैं शॉर्ट करके के मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको इंटरनल टावर कैन को कैसे जंप करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूं स्टार्टिंग करने से पहले, जंपिंग का वीडियोस दिखाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि उससे पहले अपने को क्या करने का, 4-5 पॉइंट्स है, वो थोड़ा ध्यान दें, उसके बाद अपना जंपिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं, ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंटरनल टावर कैन होता है तो रिक्स भी ज़्यादा ही है, तो आप लोग उस पर ध्यान दें थोड़ा, ठीक है। पहला, जब भी हम लोग जो अपना आई बीम शिफ्ट करते हैं, उसका आई बीम जो अभी हम लोग शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट आई बीम टू आई बीम जो हम लोग का लेवल जितना भी होता है, एच पार मैनुअल होता है, 10.5 होता है, 10 जो भी 12 मीटर होता है, जिसका जिसका होता है, इसका जो हम लोग का मैनुअल है टॉप स्काई का, ये 10 to 12 मीटर के बीच में हम लोग कहीं भी जंप कर सकता है। उससे ना कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो कुछ प्रॉब्लम होंगे। वो अगर आप लोग को चाहिए उसका क्या प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोग को पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये होना चाहिए। सेकंड थिंग, उसके बाद में हम लोग को जो उसका वर्टिकल अलाइनमेंट है, जो कि अब आई बीम लगाएंगे, दोनों आई बीम लगा देने के बाद उसका वर्टिकल अलाइनमेंट सर्वेयर से चेक कर लिए, वाटर लेवल से चेक कर लीजिए, ये इसके पूरा प्रॉपर होना चाहिए। उसका सर्वेयर से लेकर 0-0 लेवल मिलना चाहिए, 0-0 लेवल मिलेगा तभी आपका जब जंपिंग होगा क्रेन, तो अब जो आपका स्टापर जो बैठता है, 4 स्टापर आते हैं जो उसमें वीडियो में आपको मिलेगा आगे, 4 जो स्टापर आते हैं वो प्रॉपर बैठेंगे। अगर ये लेवल परफेक्ट नहीं होगा तो स्टापर कभी अप एंड डाउन हो सकता है। टॉलरेंस इसमें 0.2 mm रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिए, उससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा, पक्का दिक्कत होगा। टॉलरेंस मैक्स टू मैक्स 0.2 mm रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखने का टॉलरेंस है। उसके बाद अपना क्या है, हाइड्रोलिक पंप एंड सिलेंडर हम लोग ऊपर चढ़ाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है, हाइड्रोलिक पंप एंड सिलेंडर चढ़ाएंगे। हाइड्रोलिक पंप और सिलेंडर चढ़ाने के बाद उसको आप फ्री लोड में टेस्ट करें पहले, ना कि आप लोग चढ़ा दिए डायरेक्ट, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उठाए स्टार्ट कर दिया जंपिंग, कभी भी ऐसा ना करें। हाइड्रोलिक पंप और सिलेंडर चढ़ाने के बाद पहले फर्स्ट में फ्री लोड में अप एंड डाउन चेक करें, कैसा काम कर रहा है, प्रॉपर है, सब है उसका हाइड्रोलिक पंप और सिलेंडर चढ़ाने के बाद अपना पंप का चेक करें। पंप को मैक्सिमम बार जो होना चाहिए वो 250 बार होना चाहिए, मैक्सिमम 250 बार होना चाहिए पंप में। जब भी आप पंप में लोड देते हैं उसमें जो बार उसमें आएगा, जो उसमें शो करेगा, उसमें 250 बार मैक्सिमम होना चाहिए, उसे जो टॉप टू टॉप मैक्सिमम उसके अंदर ही आपको काम करना, उससे ज़्यादा नहीं जाना। उससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो क्या होता है, पाइप फटने के चांसेस रहते हैं, तो वो अवॉइड करें कि 250 के बाद ज़्यादा ना जाएं। उसके अंदर ही जो काम कर रहे हैं करना है कर सकें, आराम से रहें, और अगर चेक करते रहें अपना जो पाइप हीट हो रहा है क्या, दो पाइप होता है, इन एंड आउट दोनों पाइप होता है, दोनों पाइप कभी कभी हाथ लगा के चेक करते रहें, कभी हीट हो रहा है क्या हो रहा है, और लीकेज चेक करते रहें, जरूरी है, ये कंपलसरी जरूरी है। अब देखें कहीं ध्यान दें लीकेज वीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी ध्यान दे रहें। और चौथा है अपना, ये चौथा पूरा जितने भी केबल्स हैं, जो भी केबल्स है नीचे, जो अपना जंपिंग जब आप लोग करोगे ना, तो केबल्स सराउंडिंग में जितने भी है, कुछ जो भी टच होने वाले पार्ट्स है जो क्रेन में, जब भी आप जंप करते हैं तो कोई भी चीज़ टच नहीं होना चाहिए, एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और क्रेन एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए अपना बिल्कुल। अगर कहीं टच होगा, स्टक होगा, तो साउंड आएंगे, पिन ऑटोमेटिक उसमें प्रेशर आना शुरू होगा, कहीं स्टक अगर आप लीवर लोगे स्टक होगा तो ऑटोमेटिक है ना उसमें प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, तो ध्यान दें एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाकी हम आगे मैं आप लोग को वीडियो में सब पूरा दिखा रहा हूँ, आप लोग देखें और समझें, उसमें क्लियरली है, बी सेफ, अच्छे से रहें और अच्छे से काम करें। ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, जितने भी दोस्तों लोग हैं आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें, दूसरे को भेजें ताकि उनको भी समझ में आए ये वीडियोस, ठीक है दोस्तों। मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाता हूँ सब कैसे कैसे है, ठीक है। स्टॉपर देखिए बाहर हो गया है, स्टॉपर बाहर हो चुका है, स्टापर बाहर हो चुका है, ध्यान दीजिए। और जब भी जंपिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही ध्यान दें, लेवल पूरा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दें। अभी हम लोग का एकदम बिल्कुल बराबर है, निकल चुका है, देखिए स्टापर
ये अपना जो जंपिंग कर रहा है गैस का स्टॉपर है, ठीक है। सिलेंडर से भी ये फ्यूल सिलेंडर ऑफ कर दिया है, सिलेंडर से ऑफ कर दिया, लेकिन उधर से आदमी अपना मैकेनिक है उसको फ्यूल को रिमूव कर रहा है और ये स्टॉपर पे रोका हुआ है, ठीक है। सिलेंडर से ये स्टॉपर पे रोका हुआ है, उसके बाद उसको रिलीज करेगा, फिर वो योक प्लेट को इस वाले होल में लॉक करेगा, फिर उसके बाद उठाना शुरू करेगा। ये देखिए पंप है, ठीक है। ये देखिए सीपिंग बहुत केयरफुली काम करना है, ठीक है। ये देखिए एरिया भी क्लियर है, बिल्कुल कबूतर है। ट्रेन ऑफ जा रहा है, सेक्शन देखिए उसमें दिख रहा है, सेक्शन ऑफ जा रहा है। इधर देखना, हाँ देखो देखो हाँ नारियल भी देखो, हाँ पूजा करके काम करने का। ये लॉक का स्टॉपर का वो आ रहा है, अभी स्लो स्लो लॉक करेंगे। ये जब भी वो हाइड्रोलिक सिलेंडर फ्री होगा तो इस पर स्टॉपर पे लॉक करने का है, उसके बाद ही फ्री करने का। ये देखिए कैसे लॉक होता है, बहुत स्लो लॉक होगा, बहुत केयरफुली काम करने का है। ये देखिए अभी देखिए अभी सिलेंडर को डाउन करेंगे थोड़ा, अभी यहाँ डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद एकदम लॉक हो जाएगा, बिल्कुल स्लो 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 स्लो। हो गया है, अभी लॉक हो गया है। इधर मत आने दीजिए, इधर इन लोग को मत आने दीजिए। लास्ट का जो सी रैंक था वहाँ से वो फ्री होता है, अभी ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये देखिए ये स्टॉपर इधर लगा हुआ है, चार स्टॉपर है उसका, दो स्टॉपर इधर और दो स्टॉपर उधर है। हम लोग ये स्टॉपर अभी नहीं निकाला है, ऊपर ही जाके सीधा निकालेगा वहीं पर, ठीक है। ये देखिए ध्यान दें पूरा, ऐसे बहुत सेफ्टी से काम करना है, प्रॉपर चेक करके। ये देखिए ऐसे आया हुआ है, दिख रहा है काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी के साथ में है। देखिए इन देखिए लॉक अंदर किया, देखिए मैकेनिक लॉक अंदर कर रहे हैं। ये लास्ट सेक्शन देखिए कैसे आ रहा है, एक कान ऊपर आ गया, पर लॉक कर दिया है, ठीक है। ये भी स्टॉपर लॉक कर दिया है, ये देखिए ये फंक्शन है पूरा, ठीक है। ये लीवर है इसका अप एंड डाउन का, ये डिजिटल मीटर है, ये मोटर का रोटेशन ऐसा है,
याद रखें कभी भी जब भी आप करते हैं तो सर्विस करवा के पंप को यूज करें। ये देखिए लॉक हो चुका है।